जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल दिनांक 1 दिसंबर 2021 बुधवार के दिन का। तो आज के दैनिक राशिफल के अनुसार आज शुभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से आज 12 में से 5 राशि वालों को कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता के योग हैं। इन 5 राशियों में आज है मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक और धनु राशि वाले लोग। वहीं अन्य राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य का राशिफल, नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, बुधवार का दिन है। आज दिन की शुरुआत चित्रा नक्षत्र से होगी और कन्या राशि में चंद्रमा का संचरण होगा। आज सूर्योदय प्रातःकाल 6:55 पर होगा और सूर्यास्त शाम के 5:23 पर होगा। आज राहु काल दोपहर 12:09 से आरंभ होकर के दोपहर 1:28 तक राहु काल रहेगा। तो आज राहु काल के दौरान आप कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य शुरू नहीं करें। इस समय अवधि में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से बचें। आज दिशा शूल रहेगा उत्तर दिशा में। तो आज के दिन आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य आरंभ नहीं करें। उत्तर दिशा की यात्रा से भी आप बचें। यदि यात्रा करना आज आपके लिए अति आवश्यक हो तो अपने इष्ट देवता की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करके या इष्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं। और आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। तो अब जानिए अपनी जन्म राशि के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशि के अनुसार क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि दिन आपका शुभ रहे और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिले। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि मेष राशि के जातक आज के दिन किसी व्यक्ति, बैंक या संस्था से ऋण लेना चाहते हैं तो आज आपको नहीं लेना चाहिए। आज लिए गए ऋण का उतारना आपके लिए कठिन हो सकता है। कर्ज लेने से बचें। आज आपको शासन सत्ता द्वारा सम्मानित किए जाने की संभावना अधिक होगी। पुराने मित्रों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा और अच्छे मित्र में भी वृद्धि होगी। आज जीवन साथी के पक्ष से उत्तम सहयोग आपको मिलेगा, उनका समर्थन मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आज आपका सुखमय व्यतीत होगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 85% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका बैंगनी रंग है। बैंगनी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात गंध पुष्प अक्षत के द्वारा भगवान गणेश जी का पूजन करें। लाल पुष्प और मोदक का नैवेद्य अर्पित करें और ओम गण राजाय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज वृषभ राशि के जातक काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे, लेकिन ज्यादा भागदौड़ में आपको सावधानी बरतना चाहिए। चोट आदि की संभावना अधिक रहेगी, सतर्क रहें। आपके निर्णय लेने की क्षमताओं का लाभ आज आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज रुके हुए कार्यों की पूर्ति होगी। किसी काम में विनिमय यदि आपको करना पड़े तो दिल खोल करके आपको करना चाहिए। आगे चल करके उसका भरपूर लाभ आपको अवश्य मिलेगा। सायंकाल का समय किसी शुभ मांगलिक समारोह में सम्मिलित होने का अवसर आपको मिल पाएगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 75% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका हरा रंग है। हरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी को सिंदूर का चोला अर्पित करें, गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें, दुर्वांकुर चढ़ावें और ओम गणेश्वराय नमः इस महामंत्र का 108 बार श्रद्धापूर्वक जाप करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज मिथुन राशि के जातकों को फिजूल खर्चे से बचना चाहिए। इस राशि के जो लोग बीमार आदि चल रहे हैं आज उन्हें कष्ट में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन शाम तक आपको आराम भी होगा। सामाजिक क्रियाकलापों में व्यवधान उपस्थित हो सकता है। हालांकि किसी की मदद से कुछ अकस्मात लाभ की संभावना ज्यादा रहेगी। आज धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी तो दिन उत्तम रहेगा। संतान पक्ष से हर्षवर्धक समाचार आपको मिलेंगे।
करेंगे और सायंकाल से लेकर रात्रि तक अच्छा समय आप व्यतीत कर पाएंगे। तो आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है। शुभ रंग आपका नीला रंग है। नीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी की तस्वीर अथवा मूर्ति की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। गुलाब का इत्र और गुलाब का पुष्प अर्पित करें। मोदक का नैवेद्य चढ़ावें। दुर्वांकुर चढ़ा करके ओम उमा पुत्राय नमः इस महामंत्र का 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप करें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। आपके परिश्रम का अच्छा फल आपको मिलेगा। संतान के प्रति आपका विश्वास और अधिक मजबूत होगा और आज ननिहाल पक्ष से प्रेम व विशेष सहयोग मिलने की संभावना अधिक रहेगी। आज अपनी शान शौकत के लिए धन खर्च करना चाहेंगे कर पाएंगे। इससे आपके शत्रु परेशान होंगे और माता पिता का आज विशेष ध्यान रखें। अकल्पित आशीर्वाद मिलने के प्रबल योग हैं। तो आज आपको भाग्य का साथ 65% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 1 है। शुभ रंग आपका आसमानी रंग है। आसमानी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी को कच्चे दूध में केसर हल्दी मिलाकर के स्नान करावें और शुद्ध जल चढ़ा करके सिंदूर का चोला अर्पित करें और मोदक का नैवेद्य चढ़ा करके दुर्वांकुर चढ़ावें और ओम विघ्नेश्वराय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज सिंह राशि के जातकों के लिए मिश्रित फलकारक दिन रहेगा। मानसिक अशांति, खिन्नता एवं उदासीनता के कारण आप कहीं भटक सकते हैं। माता पिता के सहयोग और आशीर्वाद से दिन के उत्तरार्ध में आपको राहत मिलेगी, कार्य में सफलता मिलेगी और ससुराल पक्ष से आज नाराजगी के संकेत मिलेंगे। मधुर वाणी का प्रयोग अवश्य करें, अन्यथा संबंधों में कटुता रहेगी। यदि नेत्र से संबंधित कोई कष्ट है तो उसमें सुधार होना सुनिश्चित रहेगा। अपने स्वास्थ्य का आज आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज आपको भाग्य का साथ 60% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका पीला रंग है। पीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी की यथाशक्ति पूजन करें, लाल पुष्प अर्पित करें, गुड़ का नैवेद्य और दुर्वांकुर चढ़ावें और ओम विद्याधराय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज कन्या राशि के जातकों में निर्भीकता का भाव अधिक रहेगा तथा साहसपूर्वक अपने कठिन कार्यों को आप संपन्न करने में सक्षम भी रहेंगे। आपको अपने माता पिता का सुख सहयोग यथेष्ट रूप से प्राप्त होगा। पत्नी को शारीरिक कष्ट से कुछ खिन्नता रह सकती है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ व्यय का भी योग बन रहा है। आप मन से लोगों का भला सोचेंगे लेकिन लोग इसका आपकी मजबूरी या स्वार्थ ही समझ सकते हैं, इसलिए आज आपको थोड़ा सतर्क रह करके कार्य व्यवहार करने की आवश्यकता है। व्यापार में धन लाभ के प्रबल योग हैं। तो आज आपको भाग्य का साथ 60% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 2 है। शुभ रंग आपका सफेद रंग है। सफेद रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, लाल पुष्प अवश्य अर्पित करें, गुड़ और मोदक का नैवेद्य चढ़ा करके दुर्वांकुर चढ़ावें और ओम गणाधिपाय नमः इस महामंत्र का 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप करें। ऐसा करने से आपके कार्य सभी निर्विघ्न संपन्न होंगे। अगली राशि है तुला।
तुला राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए शुभ फलदायी रहेगा। आपके अधिकार व संपत्ति में वृद्धि के प्रबल योग हैं। आप दूसरों के भले की सोचेंगे एवं दिल से सेवा भी कर पाएंगे। आज नए कार्यों में निवेश करना पड़े तो दिन आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। गुरुजन और वरिष्ठ जनों के सहयोग व आशीर्वाद से कार्य क्षेत्र में आप सफल रहेंगे। तो आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है। शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। गुलाबी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात गंध पुष्प अक्षत के द्वारा भगवान गणेश जी का पूजन करें। गुड़ और मोदक का नैवेद्य अर्पित करें। लाल पुष्प चढ़ा करके ओम विघ्नहराय नमः इस महामंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज वृश्चिक राशि के जातकों का मन थोड़ा अशांत रहेगा। इसी के चलते काफ़ी परेशानियां आपको उठाना पड़ सकती है। यही नहीं, आज व्यापार वृद्धि के लिए किए गए प्रयास निष्फल भी हो सकते हैं। धैर्य धारण करना चाहिए। सायंकाल तक आप अपने धैर्य तथा प्रतिभा से शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे। यदि कोई वाद विवाद राज्य में आपका लंबित है तो उसमें सफलता पाने के लिए आज आपको लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। आज सतर्कता पूर्वक काम करेंगे तो दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 55% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। गुलाब का इत्र और गुलाब का पुष्प अर्पित करें। गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके दुर्वांकुर चढ़ावें और ओम बुद्धि प्रदाय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज धनु राशि के जातकों के ज्ञान में वृद्धि के प्रबल योग हैं। आपके अंदर दान पुण्य एवं परोपकार की भावना विकसित हो सकती है। आप धार्मिक अनुष्ठानों में रुचि लेकर पूर्ण सहयोग करेंगे तो दिन काफी उत्तम रहेगा। भाग्य की ओर से भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत रहेगी। सायंकाल से लेकर रात्रि अंत तक आपको पेट से संबंधित विकार हो सकते हैं। सावधान रहें, खान पान पर संयम बरतें। आज आर्थिक पक्ष पहले से काफी अच्छा रहेगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 65% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 1 है। शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। गुलाबी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। लाल पुष्प की माला अर्पित करें। मोदक का नैवेद्य अर्पित करें। दुर्वांकुर चढ़ा करके कर्पूर से आरती उतारें और ओम गंग गणपतये नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। मकर राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति मजबूत बनी हुई है। आज मकर राशि के लोग लगनशीलता और परिश्रम से अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब रहेंगे। जिन लोगों के परिवार में बीते कुछ समय से परेशानी और तनाव का माहौल बना हुआ था उनके संबंध और घर गृहस्थी में आज अच्छी बाहर आएगी। अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा। मित्रों और परिचितों से संपर्क आपका बढ़ेगा। सहयोग भी उनसे प्राप्त कर पाएंगे और चल अचल संपत्ति से जुड़े मुद्दे आज आपके हल हो पाएंगे। दिन कुल मिलाकर के आज व्यस्तता भरा भी रहेगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 65% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है। शुभ रंग आपका सफेद रंग है। सफेद रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आप प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी के सामने शुद्ध घी का दिया जला करके गुड़ का नैवेद्य और दुर्वांकुर अर्पित करें और ओम विघ्नहराय नमः इस महामंत्र का 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप करें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है कुंभ।
कुंभ राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए बुद्धि विवेक से नई नई खोज करने में व्यतीत हो सकता है। आप सीमित एवं आवश्यकता अनुसार व्यय करें तो बेहतर होगा। आपको अपने परिवारजनों से विश्वासघात होने की संभावना अधिक रहेगी, सतर्क रहें। सांसारिक सुख भोग के प्रबल योग हैं। सायंकाल से लेकर रात्रि अंत तक समीप की यात्रा हो सकती है जो लाभकारी रहेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात या विशेष सहयोग प्राप्त होगा जिससे मन आपका संतुष्ट रहेगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 75% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है। शुभ रंग आपका सफेद रंग है। सफेद रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करावें। शुद्ध जल अर्पित करके लाल पुष्प की माला, गुड़ और मोदक का नैवेद्य चढ़ावें और ऋतु फल चढ़ा करके कर्पूर से आरती उतारें और विघ्न हराय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज मीन राशि के जातकों का कोई अधूरा पड़ा कार्य पूर्ण हो सकेगा। संतान पक्ष से संबंधित किसी समस्या का हल निकल सकता है। खुश मिजाज व्यक्तित्व होने के कारण अन्य व्यक्ति आपसे संबंध बनाने की चेष्टा करेंगे। सामाजिक मान सम्मान मिलने से आपका मनोबल बढ़ा रहेगा। रात्रि में प्रियजनों व परिजनों से हास्य विनोद में समय व्यतीत होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 85% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका सुनहरा रंग है। सुनहरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का श्रद्धापूर्वक पूजन करें, ऋतु फल और गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके कर्पूर से आरती उतारें और ओम गणाधिपाय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। ऐसा करने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।